आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है, उसमें डिटेल में इसका जिक्र किया हूं मैंने। वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ चंद बातें और कहूंगा। हम जानते हैं कि अभी हाल में 2-3-4 महीने पहले कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए और एक महीने पहले, 4 महीने से 1 महीने पहले तक अक्सर मीडिया में आ रहा था कि मुसलमान रिस्पॉन्सिबल। और हम जानते हैं कि यूएसए में भी, यूएसए में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1995 में 16 अप्रैल को, ओक्लाहोमा बॉम्बिंग जो सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त, जहां 166 लोग का कत्ल होता है, उसमें हेडलाइन आता है मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी लगातार हर रोज। कई हफ्तों बाद जब पता चलता है कि ये तो अमेरिकन लोग ने किया था, टॉम एंड टेरी, एक बार न्यूज में आता है फिनिश, न्यूज के बाद गायब। हर वक्त हर रोज पहले आ रहा था मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मुसलमानों ने किया। जब पता चलता है गैर मुसलमानों ने किया, एक बार आता है फिर न्यूज गायब। वही मिसाल आप देखेंगे बॉम्बे में, बॉम्बे में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, प्राइम सस्पेक्ट मुस्लिम्स, और चंद महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले अक्सर प्रेस में आता था मास्टरमाइंड तौकीर, जिसे कहा जा सोभान कुरैशी, हर टाइम हेडलाइन मोस्ट ऑफ द मीडिया पेज के ऊपर हेडलाइन, तौकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट। और मीडिया में आया था, पुलिस कहती है मास्टरमाइंड है तौकीर सोभान कुरैशी। 1.5 महीने पहले ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहती है कि पुलिस ने कभी कहा ही नहीं कि तौकीर मास्टरमाइंड था बॉम्ब ब्लास्ट का, ये तो मीडिया क्रिएशन है, ये तो मीडिया का फलसफा है। तो हमें अभी तहकीक करना पड़ेगा कि मीडिया जो कहती है पुलिस के खिलाफ भी कह सकती है। अगर मीडिया पुलिस के खिलाफ कह सकती है और बच सकती है, तो हम आम हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं। लगातार हेडलाइन तौकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड, बाद में आता है न्यूज ब्रीफ, एक बार आता है पेपर में तौकीर इज इनोसेंट, बस खलास। महीनों तक उस मुसलमान की मीडिया धज्जिया उड़ा रही है, एक बार आता है क्या वो इनोसेंट है। मैं कहता हूं पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती मीडिया पे। अगर मीडिया पुलिस पे इल्जाम लगा रही है कि पुलिस कहती है कि तौकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड था, और ज्वाइंट कमिश्नर कहता है कि मैंने कभी कहा ही नहीं, पुलिस ने कहा ही नहीं, तो आप मीडिया को सू क्यों नहीं करते हैं। सू करो, एक बार आता है क्या वो मास्टरमाइंड नहीं था और न्यूज के बाद गायब। अक्सर लोग ने तो पढ़ा नहीं होगा उसको, लगातार महीनों तक आ रहा है मास्टरमाइंड, एक बार आता है कि नहीं है। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्ण कहते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी रिपोर्ट आई थी 20 अक्टूबर 2008 में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्ण कहते हैं कि मीडिया शुड नॉट रन अ पैरेलल ट्रायल। मीडिया साथ साथ जिन लोगों पे इल्जाम लगाया गया है उनके साथ ट्रायल नहीं करना चाहिए। मीडिया को क्या हक है, वो पुलिस अगर इल्जाम लगाती है पुलिस लेके जाएंगी उसको कोर्ट में और जज फैसला करेगा। ये मीडिया कब से फैसला करने लगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालकृष्ण कहते हैं कि मीडिया को क्या हक है। अगर पुलिस समझती है कोई गुनहगार है उसको पकड़ती है, अभी तक उसको पेश भी नहीं किया जज के सामने, मीडिया कह देती है क्या ये टेररिस्ट है, मास्टरमाइंड है, मीडिया को क्या हक है। 2 साल पहले 2006 में जुलाई में बॉम्बे में ट्रेन सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके 2-3 महीने बाद में तकरीर दिया था शनमुखराज हॉल में, इस टाइम से मुस्लिम मोनोपोली। उस वक्त मैंने कहा कि मीडिया कहती थी कि मदरसा था रिस्पॉन्सिबल, मदरसा 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 पर इल्जाम लगाया गया। मैंने कहा मीडिया से, क्या एक भी आपके पास सबूत है, एक भी मदरसा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर में नहीं जानता हूं, एक भी मदरसा पेश करो सारे हिंदुस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था, एक भी नहीं, एक भी नहीं। फिर आप कैसे कहते हैं कि मदरसा टेररिस्ट को जन्म देता है। हो सकता है
हो सकता है मैं तो एक भी मदरसे के फारिग को नहीं जानता हूं हिंदुस्तान में जो दहशतगर्द है, हो सकता है एक आध आपको मिले, हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आप अगर चेक करेंगे, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जितने टेररिस्ट का है, चाहे अमेरिका में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, अक्सर टेररिस्ट के पास तो यूनिवर्सिटी डिग्री है, उनके स्कूल की डिग्री है। मेरे पास भी स्कूल की डिग्री है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो क्या आप यूनिवर्सिटीज बंद करेंगे? आप अगर तहकीक भी करेंगे तो 1% भी आपको नहीं मिलेगा जितने टेररिस्ट है जो मदरसे से फारिग है। तो आप कैसा इल्जाम लगा रहे मदरसे पे? 2 साल बाद 2008 में वापिस से बॉम्ब ब्लास्ट होता है, अभी मीडिया ढूंढ रही है मुसलमान जो आईटी स्पेशलिस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मदरसा को छोड़ दिए, अभी बॉम्बे में पकड़ ली है पुलिस, कौन मुसलमान आईटी स्पेशलिस्ट है, कौन मुसलमान तालीम याफ्ता है? आप अगर कंप्यूटर जानते अंदर तहकीक के लिए, 2 साल पहले इल्जाम लगाते मुसलमान अनपढ़, मदरसा सही तालीम देता नहीं, मुसलमान में तालीम होना चाहिए, 2 साल बाद यू टर्न, जो मुसलमान तालीम याफ्ता उसको पकड़ लिए। पूना के अंदर में तकरीर किया था, वहां के लोग डरे थे 1 महीना पहले 19 अक्टूबर 2008 में मौजूद था, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है, सब पूना के मुसलमान सहमे हुए थे, इल्जाम था कई पूना के मुसलमानों पे। लाइमलाइट पे था मंसूर पीर बॉय जो आईटी स्पेशलिस्ट है, याओ के लिए काम करता है, उसकी तनख्वाह थी 19 लाख सालाना, 19 लाख, सोच सकते 19 लाख, हर महीने 1.5 लाख से ज्यादा कमाता है मुसलमान। उसको गिरफ्तार किया गया और इल्जाम लगा गया था, क्योंकि मैं ना तौकीर सोबान कुरैशी को जानता हूं, ना मेरा दोस्त है मेरा दुश्मन है, मैं पीरबॉय को भी नहीं जानता हूं, ये मंसूर पीरबॉय को। लेकिन लोग मुझे पूछते डॉक्टर जाकिर नायक, डू यू कंसिडर मंसूर पीरबॉय टू बी टेररिस्ट, क्या आप समझते हैं मंसूर पीरबॉय टेररिस्ट है? तो मैंने कहा कि हजारों मुसलमानों को गिरफ्तार करते, हजारों मुसलमानों को इलीगली डिटेन करते, उनमें से 1% भी नहीं साबित होते टेररिस्ट है। तो अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो मैं कहूंगा 99% मंसूर पीरबॉय इज नॉट अ टेररिस्ट, 99% मंसूर पीरबॉय टेररिस्ट नहीं। मैंने तहकीक नहीं किया उसके ऊपर, मैं तो सिर्फ एवरेज बता रहा हूं, एवरेज। मैं ना मंसूर पीरबॉय को जानता हूं, ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ना मैं उसके खिलाफ हूं ना उसके फेवर में हूं। हाल ही में 1 हफ्ते पहले मीडिया मुझसे पूछती है, डॉक्टर जाकिर नायक क्या आप समझते हैं, ये चीज 1 साल पहले 2 साल पहले भी पूछी गई थी, क्या आप समझते हैं बिन लादेन टेररिस्ट है? तो मैंने कहा कि अगर मैं बीबीसी और सीएनएन की बात मानूं तो मुझे यकीनन कहना पड़ेगा कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द है। लेकिन कुरान में लिखा है सूरह हुजरात में सूरह नंबर 49 वर्स नंबर 6, जो इस तकरीर के शुरू में इमाम शेख अहमद अली अब्दुल रहमान हुदैफी ने तिलावत की थी, उसमें लिखा है कि जब भी कोई फासिक आपको कोई खबर देता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो अगर मैं बीबीसी और सीएनएन की बात मानूं मुझे कहना ही पड़ेगा क्या बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं बीबीसी और सीएनएन के बुनियाद पे नहीं कह सकता हूं। आप मुझे पूछेंगे क्या इज ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, क्या ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द है? मैं कहूंगा ना वो दहशतगर्द है ना ही साधु है। ओसामा बिन लादेन ना दहशतगर्द है ना साधु है, ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, क्योंकि मैंने ओसामा बिन लादेन पे तहकीक नहीं की है। मैं मीडिया से पूछता हूं कि अंग्रेज जब भगत सिंह को टेररिस्ट कहते हैं आप मानते हैं भगत सिंह टेररिस्ट है? वो मीडिया कहती नहीं नहीं भगत सिंह तो देशभक्त था। तो मैंने कहा मैं भी मानता हूं भगत सिंह देशभक्त था, भगत सिंह टेररिस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान की तारीख की तहकीक की है, मैं जानता हूं वो देशभक्त था, इसीलिए मैं अंग्रेज के बात को नहीं मानता हूं। फिर मैं मीडिया से पूछता हूं वही अंग्रेज आज कहते हैं ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है तो आप अंग्रेज की बात क्यों मानते? तो मीडिया हंसने लगता है। मैं बोलता हूं हिंदुस्तानी मीडिया से आपको डबल स्टैंडर्ड क्यों? वही अंग्रेज भगत सिंह को टेररिस्ट कहते आप कहते गलत है, आज वो कहते ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट आप बोलते सही है। मैं वापस से कहना चाहता हूं ओसामा बिन लादेन ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ना मैं उसे जानता हूं, तो मैं ओसामा बिन लादेन के ना फेवर में हूं ना अगेंस्ट हूं।
मैं तो सिर्फ कुरान में जो इन्फॉर्मेशन है कह रहा हूं, तो आप ये गलत मत समझो। मैं कहता हूं मेरे नजरे से ना टेररिस्ट है ना सेंट है, ना दहशतगर्द है ना साधु है, ना अच्छा है ना बुरा है। मैंने तहकीक किया ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं, कई डीवीडी देख चुका हूं जिसमें लिखा है कि 9/11